हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, प्रिज्म, जिसमें काफ़ी बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में प्रिज्म इतनी अच्छे तरीके से करा दूंगा, उसके बाद आपको पढ़ने की नीड ही नहीं है। ठीक है, इसी एक वीडियो से आप जो एग्ज़ाम में प्रिज्म के क्वेश्चन आते हैं वो आप आसानी से क्या है कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में, और 10-15 क्वेश्चन भी करेंगे हम लगभग, तो इससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी इस टॉपिक में, तो कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, इसमें ट्रायंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, है ना, जो भी आपके टाइप ऑफ प्रिज्म है वो हम इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, और क्या होता है एग्ज़ाम में जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं टॉपिक प्रिज्म और पिरामिड। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि एक क्वेश्चन इस टॉपिक से भी मैंचुरेशन 3D के अंदर आ जाता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जिसको नहीं आता वो थोड़ा पीछे चला जाता है। तो इसलिए मैं कहूँगा आपको, अगर प्रिज्म पिरामिड देख के अगर एग्ज़ाम से पहले जाना है तो आप सिर्फ ये एक वीडियो प्रिज्म की देख लेना, और एक या दो वीडियो में पिरामिड की लेकर आऊँगा वो देख लेना, इसके अलावा आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी और क्वेश्चन आराम से आप कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिज्म। अब देखो प्रिज्म होता क्या है। ठीक है, प्रिज्म तुम्हें पता होना चाहिए कि फिगर कैसी होती है। अब अगर तुमने फिजिक्स में प्रैक्टिकल करा होगा, मेरे ख्याल से सभी ने करा होगा, प्रिज्म का एक प्रैक्टिकल होता था, तो अगर तुमने वो करा होगा तुमने देखा होगा प्रिज्म होता कैसे है। वो ट्रायंगुलर प्रिज्म था जिससे हमने प्रैक्टिकल किया था। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें, प्रिज्म कैसा भी हो सकता है भाई। ठीक है, उसका बेस क्या हो सकता है, कोई भी आप 2D फिगर ले सकते हैं, बेस आपका ट्रायंगल भी हो सकता है, बेस आपका स्क्वायर भी हो सकता है, बेस आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है, और आधार आपका क्या हो सकता है, हेक्सा भी हो सकता है, ट्रेपेजियम भी हो सकता है, मतलब कोई भी 2D फिगर आपका क्या हो सकती है, प्रिज्म का बेस हो सकती है। ठीक है, अब देखो प्रिज्म बनेगा कैसे और प्रिज्म होता कैसे है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान से देखना। अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ सिंपल सा, अगर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ, मैंने क्या करा, एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, अब सेम ट्रायंगल तुम क्या करो, बिल्कुल कॉपी करके सेम टू सेम इसके नीचे बना दो। बना दिया हमने सेम टू सेम ट्रायंगल, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, इसके जो कोरस्पोंडिंग वर्टेक्स है इनको क्या कर दो, मिला दो। मतलब जिस वर्टेक्स के नीचे जो वर्टेक्स है उसे क्या कर दो, मिला दो। तो इस वाली वर्टेक्स से ये वाली वर्टेक्स मिल जाएगी, इस वाली वर्टेक्स से आपकी ये वाली वर्टेक्स, और यहाँ से आपका ये, बताओ मिल गई क्या। तो जो ये फिगर बनी हमारे सामने, ये क्या है, हमारा प्रिज्म। और ये कैसा प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म, क्योंकि इसका बेस क्या है, एक ट्रायंगल। ठीक है, अगर अब तुम इस फिगर को इमेजिन कर पा रहे हो कि नीचे एक ट्रायंगल ऊपर एक ट्रायंगल, तो ये कुछ ऐसी फिगर बन गई है ना, ट्रायंगुलर फिगर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रायंगुलर। सबसे पहले प्रिज्म की डेफिनेशन यही हुई सिंपल, कि जो बेस आपका, जो बेस में है वही आपका क्या है, फिगर टॉप में है। अगर बेस में ट्रायंगल है तो सेम ट्रायंगल आपका टॉप में होना चाहिए, और अगर उसकी वर्टिसेस मिला दो तो आपका क्या बन जाता है, प्रिज्म बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही जो स्क्वायर होगा उसका प्रिज्म बनेगा। भाई अगर मान लो मैं बना देता हूँ, कोई स्क्वायर बना देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना भाई, ऐसा भी स्क्वायर बन रहा है। अब इसकी क्या करो, कोरस्पोंडिंग एज मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया क्या हमारा, स्क्वायर बेस वाला प्रिज्म, यानी कि बेस में स्क्वायर, टॉप में स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या बनता है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या बनेगा, थोड़ा सा अगर मैं इसे क्यूबोटिकल, क्योंकि ऐसे बना रहा हूँ ताकि तुम समझ जाओ। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। आई बात समझ में, क्योंकि जैसा बेस है वैसे ही क्या है, आपकी टॉप है, और ऐसे ही आपका हेक्सागोनल प्रिज्म बन जाएगा। भाई ये मान लो मैं बना रहा हूँ क्या, हेक्सागन, सेम टू सेम हेक्सागन नीचे बनाओ, और जो कोरस्पोंडिंग साइड है उन्हें क्या कर, वर्टेक्स है उन्हें क्या कर दो, मिला दो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हेक्सागोनल प्रिज्म। आगे बात समझ में, दोबारा एक बार डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ, प्रिज्म ऐसी फिगर है जो उसके बेस में होगा वही उसके टॉप में होगा, यानी कि टॉप और बेस दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तो वो फिगर हमारी क्या कहलाएगी, प्रिज्म कहलाएगी। अब ये बेस में आपका त्रिभुज, ट्रायंगल भी हो सकता है, स्क्वायर, वर्ग भी हो सकता है, रेक्टेंगल, आयत भी हो सकता है, हेक्सागन,
हेक्सागन भी हो सकता है, ठीक है, ट्रेपेजियम कुछ भी हो सकता है बेस में, टू डायमेंशनल फिगर, जो नीचे वही तुम्हारा क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। सारी बात समझ में? तो ये हमारी क्या होगी भाई, प्रिज्म की डेफिनेशन, ठीक है। अब इसमें तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब तुम इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। हमने डिस्कस किया था कि जो क्यूब होता है, क्यूब मैंने तुम्हें बताया था बीच में एक बार शायद, कि क्यूब कैसी फिगर है, प्रिज्म होती है। जो हमारा क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड ये भी क्या होता है, ये दोनों प्रिज्म होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, प्रिज्म, ठीक है। और बाकी हम आगे क्वेश्चन में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बात तो होगी सभी को क्लियर, अब चलते हैं आगे। फिगर के लिए देखो मैं लेके आ गया हूँ थोड़ा सा, ताकि क्योंकि हाथ से फिगर ऐसी बनती है थोड़ी सी, तो ताकि तुम एक बार तुम्हें अच्छे से आइडिया लग पाए कैसा होता है। तो देखो ट्रायंगुलर प्रिज्म दिख रहा है तुम्हें, प्रिज्म ऐसा है ना, देखो ये बेस है, उधर की साइड भी ये देखो ट्रायंगल दिख रहा है, ये तुम्हारा टॉप है, ये ऐसे रखा हुआ है जमीन पे। ये देखो ये वाली साइड ये कैसी रेक्टेंगुलर फेस, ये इधर वाली फेस कैसी, ये भी रेक्टेंगुलर, और जो नीचे वाला है ये भी कैसा होता है, रेक्टेंगुलर, ये मैं अभी तुम्हें बताऊंगा, ठीक है भाई। जो प्रिज्म का बेस और टॉप वो तो क्या होंगे, सेम होंगे। और जो जो जैसे ये प्रिज्म है मान लो आपका, तो जो इसकी साइड साइड वाले जो फेस होंगे ना, ये कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर इन शेप होते हैं, कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर इन शेप, जैसे स्क्वायर प्रिज्म, ठीक है। ये बेस इसका क्या होगा, स्क्वायर, तो टॉप भी क्या होगा, स्क्वायर, और ये क्या होगी इसकी हाइट, तो ये जो होंगे आपके, ठीक है, ये जो होंगे आपके, ये क्या होंगे इसकी हाइट होगी, और ये रेक्टेंगुलर इन शेप होंगे। आई बात समझ में? ये देखो पेंटागनल प्रिज्म, ये पेंटागन रखा ऊपर, सेम टू सेम पेंटागन इसने नीचे रखा, तो बाकी चारों तरफ देखो ये रेक्टेंगल दिख रहा है तुम्हें, ये रेक्टेंगल, ये सब रेक्टेंगुलर फेस आते हैं हमेशा। ये देखो रेक्टेंगुलर प्रिज्म, नीचे रेक्टेंगल रखा, ऊपर रेक्टेंगल रखा, मिला दी सारी वर्टिसेस, कैसा बन गया, रेक्टेंगुलर प्रिज्म बन गया। हेक्सागनल प्रिज्म ये देखो छह साइड है, नीचे भी छह साइड है, इन सबको मिला दिया तो क्या बन गया, हेक्सागनल प्रिज्म। ये ट्रेपेजोइडल प्रिज्म, ट्रेपेजियम ऊपर, ये देखो यहाँ ट्रेपेजियम बनाया इसने, पीछे की साइड ट्रेपेजियम बना दिया, सबको मिला दिया तो ये क्या बन गया, ट्रेपेजोइडल प्रिज्म, ठीक है। और देखो ये साइड क्या है, रेक्टेंगल, इधर वाली साइड क्या है, रेक्टेंगल, नीचे क्या है, रेक्टेंगल, ऊपर क्या है, रेक्टेंगल, ठीक है। बस टॉप और बेस क्या होते हैं, सेम, बाकी जितनी भी फिगर मिलती है साइड में वो सारे क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर इन शेप। बताओ ये बात क्लियर होगी सभी को, चले आगे। अब देखो, अब जब तुमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, अब इसके बाद देखो मेन चीज़ क्या है, हमें तो क्योंकि प्रिज्म पढ़ रहे हैं तो, और मैंचुरेशन 3D पढ़ रहे हैं, तो हमें तो सिर्फ दो तीन चीज़ों से मतलब होता था, एक तो क्या वॉल्यूम से मतलब है हमें, और एक हमें लेटरल सरफेस एरिया से, और एक आपका कर्व सरफेस एरिया, भाई आयतन पता होना चाहिए, और क्या नाम तुम्हारा जो ये होता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, ठीक है। तीनों चीज़ हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में, जो भी सिमेट्रिकल फिगर होती है भाई, जो बेस में है वही टॉप में है, ऊपर से नीचे तक क्या है, बिल्कुल सेम है। तो उसके लिए मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें, अगर तुम्हारे याद हो तो, फॉर्मूला बताया था वॉल्यूम निकालने का। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कि जो बेस का एरिया है, जो आपका क्या है, बेस का एरिया, उसमें अगर तुम किसकी मल्टीप्लाई कर दो, हाइट की, तो तुम्हारी वॉल्यूम निकल के आ जाएगी। तो सेम चीज़ अप्लाई करेगी किसके लिए, प्रिज्म के लिए, ठीक है। जो भी बेस का एरिया होगा, मान लो ट्रायंगल है बेस में, तो ट्रायंगल का इसका एरिया निकाल लो, और जो इसकी हाइट है उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। आई बात समझ में? और देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होती है इसकी, प्रिज्म की, ठीक है। मान लो ये ट्रायंगुलर बेस, ये ट्रायंगुलर बेस, तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये क्या होगी, हमारी हाइट होगी। आगे बात समझ में? देख सकते हो तुम्हें ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, हाइट। ये देखो ये क्या है आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर है बात सभी को? वॉल्यूम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कि भाई आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। अब अगर बात करते हैं हम किसकी, लेटरल सरफेस एरिया की। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, वहां पे हमने डिस्कस करा था, क्यूब क्यूबॉइड पढ़ा था, जब जो भी आप सामने से एरिया देख पा रहे हो वो आपका क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। तो सामने से एरिया देखो, अगर मैं इस वाली फिगर की बात करता हूँ, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म देखते हैं हम सामने से, तो क्या दिखेगा तुम्हें भाई, ये ट्रायंगुलर फेस है, देखो तीन फेस है, तीन साइड है इसकी, तो तीन ही फेस बनेंगे भाई। एक रेक्टेंगुलर फेस तो देखो ये बन रहा, दिख रहा है सभी को, एक रेक्टेंगुलर फेस ये बन रहा, और एक रेक्टेंगुलर फेस बन रहा होगा पीछे की साइड, तो तीन रेक्टेंगुलर हमारे फेस होंगे, यही हमारा क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया। आई बात समझ में? अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें इस फिगर को थोड़ा सा खोल के दिखा दे रहा हूँ। अगर मान लो ये ट्राइंगल है ना, तो ये अगर मैं इस फिगर को खोल रहा हूँ, तो ये फिगर ऐसी बन जाएगी, ठीक है। अगर मैं कह रहा था कि भाई ये साइड ए है, ये साइड बी है, और ये साइड सी है,
ये साइड ए, ये साइड बी, ये साइड सी, ठीक है, और फिर ये सब क्या है, ये हाइट है। तो मैंने क्या करा, इस फिगर को थोड़ा सा तुम्हें एक्सपेंड करके दिखा दिया, क्योंकि इससे क्या मिलता है तुम्हें, तीन रेक्टेंगल मिलते हैं। अगर तुम इसे अब वापस चिपका दोगे फिगर को, तो ये क्या बन जाएगा, आपका ट्रेंगुलर प्रिज्म बन जाएगा। अब ये सब क्या है, हाइट है, ये सब क्या है, हाइट, ये सब हाइट है आपकी। अब मुझे क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया कौन सा एरिया है, ये वाला, ये वाला, तीन फेस है बस लेटरल सरफेस के, ये वाला, ये सब हमारा क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया कैसे लिख लेगा भाई, तीनों का एरिया देख लो, रेक्टेंगुलर है तो ये इंटू ये, तो ए इंटू एच, प्लस दूसरे वाले फेस का बी इंटू एच, तीसरे वाले फेस का सी इंटू एच। तो यहाँ से तुम देख पा रहे होंगे एच क्या आ गया, कॉमन, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू एच। तो लेटरल सरफेस आ गया क्या, ए प्लस बी प्लस सी इंटू एच। अब जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है हमारा, अगर कोई भी प्रिज्म है उसके लिए हमेशा ये चीज़ सेटिस्फाई करती है, क्या, पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, ये हमारा हमेशा क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। आई बात समझ में? अब मेरे भाई देखना भाई, ये ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, जब तीनों साइड ट्रायंगल की तीनों साइड का सम ही क्या होता है, पेरीमीटर होता है, नहीं होता, परिमाप होता है कि नहीं, बताओ। तो ये पेरीमीटर है और इंटू हाइट, देखो ये हो रहा है सेटिस्फाई तुम्हारा। तो जो वॉल्यूम है वो होगा आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, और जो लेटरल सरफेस एरिया है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। आ गई क्या बात समझ में? देखो ये फिगर यहाँ से देख सकते हो कैसी दिखेगी, और कैसे ये चीज आई, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। क्लियर होगी बात सभी को? ठीक है, अब लगे हाथ यहीं पे क्या लिख लो, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा भाई, लेटरल सरफेस एरिया तो इसमें आएगा ही आएगा, बताओ आएगा नहीं आएगा। और ये बेस भी तो रह गया, एक तो बेस रह गया और एक तुम्हारा क्या रह गया, टॉप। तो प्लस टू इंटू एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया में, क्योंकि टॉप और बॉटम हम छोड़ चुके थे, टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम भी आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया प्लस टू इंटू एरिया ऑफ बेस। क्लियर हुई बात भाई सभी को? तो आपका कोई सा भी प्रिज्म हो, चाहे वो ट्रेंगुलर प्रिज्म हो, स्क्वायर प्रिज्म हो, पेंटागनल, रेक्टेंगुलर, हेक्सागनल, कैसा भी प्रिज्म हो, हमेशा फॉर्मूले क्या लगेंगे, यही लगेंगे। क्लियर हो रही बात सभी को? भाई वॉल्यूम निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, जो आधार का क्षेत्रफल है उसमें ऊंचाई की हमें क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब अगर ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, स्क्वायर वाला प्रिज्म आ गया तो स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे, वो डिपेंड करेगा कि फिगर हमारी कैसी है, ठीक है। अगर लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, ठीक है, और अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो लेटरल सरफेस प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। तो ये हमारा पूरा थ्योरी हो गई आपकी, किसकी, प्रिज्म की। आई होप सभी को समझ में आई, ठीक है। जो ये हमेशा प्रिज्म के तुम साइड वाले फेस देखोगे, ये हमेशा कैसे होंगे, रेक्टेंगुलर, देखो दिख रहा है रेक्टेंगल, दिख रहा है रेक्टेंगल, ये देखो पेंटागनल प्रिज्म था, इसमें क्या है, रेक्टेंगल, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर प्रिज्म में रेक्टेंगल, ये देखो रेक्टेंगुलर प्रिज्म में भी कैसा है, रेक्टेंगल, ट्रेंगल में कैसा है, रेक्टेंगल। तो हमेशा क्या, रेक्टेंगल का एरिया मिलता है। अब जब क्योंकि हम क्योंकि क्या करते हैं, जब एरिया निकालते हैं इन तीनों फेस का या चारों फेस का, तो हाइट आ जाती है कॉमन और सारी साइड का हो जाता है सम, और सारी साइड का सम ही क्या होता है, किसी फिगर का पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी चीजें आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, और भाई इसका मतलब चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कि पेपर में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरी है, आई होप सभी को चीजें समझ में आई हो। अब चलते हैं भाई क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को जाके दोबारा देखना, है ना, ये डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें समझ में आ जाएगा एक बार में, कोशिश यही है, ठीक है। अब देखो, द बेस एरिया, हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ ए प्रिज्म, भाई आधार का क्षेत्रफल, ऊंचाई, और क्या दे रखी, वॉल्यूम दे रखी, तो वैल्यू ऑफ पी बता। अब मेरे प्यारे भाई बताओ, अभी हमने पढ़ा वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। वॉल्यूम हमें कितनी दे रखी है, 7200। आधार का क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है, 100 √3। ऊंचाई हमें कितनी थी भाई, 3 √3/2 पी स्क्वायर। क्लियर है बात सभी को? देखो ये 2 0 से 2 0 खत्म करते हैं, ये 3 3 9, 9 8 जा 72, पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई भाई कितनी, 16, और पी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो वैल्यू ऑफ पी ही बतानी थी हमें, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा भाई, 4। क्लियर है बात सभी को? तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, हमने सीधा फॉर्मूला रखा और आपका क्वेश्चन याद कर लिया।
ये देखेंगे, अ राइट प्रिज्म हैज ए ट्राइंगुलर बेस विद साइड 13, 20, 21। एक आपका प्रिज्म है जिसका ट्राइंगुलर क्या है, बेस है। अब इसमें तुम्हें फिगर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, एक बार कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो गया फिर उसके बाद तुम सोच सकते हो दिमाग में। हाइट दी है प्रिज्म की कितनी, 9 सेंटीमीटर। फिगर नहीं बना रहा मैं, डायरेक्ट करें। वॉल्यूम बतानी है भाई, वॉल्यूम क्या होती है, बेस का एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम क्या होती है, बेस का एरिया इंटू हाइट। आधार का क्षेत्रफल, आधार में क्या है, त्रिभुज, यानी कि इस त्रिभुज का हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। अब जब तीनों साइड अलग है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो एरिया क्या हो जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर तीनों साइड अलग अलग है तो आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या, हीरोन्स फॉर्मूला, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस। यहाँ पे एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, जिसे नहीं पता वो देख लो भाई, तीनों साइड के पेरीमीटर का आधा, उसे क्या बोलते हैं हम, सेमी पेरीमीटर। एरिया का फॉर्मूला होता है ये याद कर लेना, ठीक है। अब एरिया निकालना, तो एरिया निकल जाएगा क्योंकि तीनों साइड हमें पता है। सेमी पेरीमीटर देखो कितना आएगा, 20, 40, 41, 50, 3 54, 54/2 कितना, 27। सेमी पेरीमीटर कितना आ गया भाई, 27। तो अंडर रूट 27 इंटू 27 माइनस ए 14, 27 माइनस बी 7, 27 माइनस 21। आगे बात समझ में, देखो ये 7, अब इसे क्या लिख लेते हैं, 27 को लिख लेता हूँ मैं 9 इंटू 3, 14 को लिख लेता हूँ मैं 7 इंटू 2, और ये 7 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। स्प्लिट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई ना करने की बजाय पेयर जो के तू बाहर निकाल लूंगा। 9 का आ जाएगा 3 बार, ये देखो 3 2 आ रहे हैं, ये 1 बार बाहर आ जाएगा। 7 देखो 2 बार आ रहा था, 7 1 बार बाहर आ जाएगा और 2 1 बार बाहर आ जाएगा। तो 3 3 9 और 9 7 जा 63 और 63 2 106, यानी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया वो कितना आ गया भाई, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बस ये आते ही सवाल खत्म, क्योंकि हाइट उसने दे रखी थी कितनी, 9। तो 9 6 जा 54, 9 2 18 और 5 23, 9 1 9 तो 11, 1134 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या होगा इसका आंसर, वॉल्यूम, आयतन, ठीक है। तो देखो कितना बेसिक सा सवाल है, वॉल्यूम बतानी है, वॉल्यूम के लिए बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। अब बेस एरिया क्या, आधार का क्षेत्रफल। देखो मैंने मेंसुरेशन 2D नहीं पढ़ाई है, अभी 2D में बताऊंगा क्योंकि वो तुम्हारी ज्योमेट्री में कवर हो जाएगी। तो जो हमने नहीं पढ़ा वो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा क्या करूँगा, तुम्हारे साथ डिस्कस करता हुआ चलूंगा। तो जिसे अभी एरिया नहीं पता था, वैसे सबको पता होता है यार, बहुत बेसिक बात है, 8th 9th में तुमने सब पढ़ रखा होगा। अगर नहीं पढ़ रखा, थोड़ा ध्यान भी है तो यहाँ से देख के तुम्हें याद आ जाएगा कि एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ से तुम इस सवाल को आसानी से कर सकते हो। अब देखो सेम क्वेश्चन है, बेस क्या है, ट्रायंगल है, और ट्रायंगल की साइड कितनी है, 4 13 और भाई 15। वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम 480, तो वॉल्यूम 480, तो वॉल्यूम क्या होती है, बेस का एरिया इंटू हाइट। हमारे से क्या पूछा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में निकालना है। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हाइट तो लगेगी, तो पहले हाइट निकाल लेते हैं। एरिया बताओ, अंडर रूट भाई 20 और 25 28 4 32 32/2 16। सेम पेरीमीटर कितना आ गया भाई, 16, तो ये तो आ गया 16। 16 में से 4 गए 12, 16 में से 15 गया 1, 16 में से 3, ठीक है। 16 को मैं बाहर लिख रहा हूँ 4, 12 3 36, 36 का आ गया 6, यानी कि जो एरिया आ गया ट्रायंगल का वो कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा कितना, 24। हाइट आ जाएगी यहाँ से, बताओ कितनी आ जाएगी, 24 2 48, हाइट कितनी आ गई भाई, 20 सेंटीमीटर। हाइट कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। क्लियर है बात सभी को। अब देखो हाइट आ गई, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप। तो पहले लेटरल सरफेस एरिया निकाल लो। लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस कितना है भाई, आधार 20 25 30 28 और 4 32, पेरीमीटर ऑफ बेस कितना है, 32। पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, ये तो आ गया लेटरल सरफेस एरिया, प्लस नीचे और ऊपर वाले का क्या, एरिया, नीचे वाले का और ऊपर वाले फेस का एरिया, नीचे वाले का 24, ऊपर वाले का 24, 24 2 48, तो 32 2 64, 640 प्लस 48, यानी कि 688 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया। आई भाई बात समझ में, बताओ क्लियर हुआ क्या, वॉल्यूम क्लियर होगी तुम्हें, यहाँ वॉल्यूम दे रखी थी तो वॉल्यूम से हाइट निकाल ली, ठीक है। अब जब हाइट आ गई तो फिर टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप। अब लेटरल हमें पता ही है क्या, पेरीमीटर ऑफ बेस,
जो बेस फिगर है उसका पेरीमीटर, पेरीमीटर देख लिया हमने कितना था, हाइट की मल्टीप्लाई कर दी तो 32 गुना 20 ये आ गया, और 48 इसमें जोड़ दिया ऊपर नीचे का एरिया, तो वो आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया। आई बात समझ में? ठीक है, आई होप सभी को धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो। ये देखो द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज अ ट्राइंगल, भाई कोई एक प्रिज्म है उसका बेस क्या है, ट्राइंगल, जिसकी साइड कितनी है 20 21। अब अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, जिसने नहीं पढ़ी वो पहले तो ट्रिग्नोमेट्री देखो जाके, वहाँ पे तुम्हें ट्रिपलेट पढ़ा रखे हैं, 20 21 29 क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ से काम और आसान हो जाएगा। काम आसान क्यों हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम 7560, वॉल्यूम क्या होती है बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ से हाइट निकालनी पड़ेगी, तो बेस एरिया, एरिया तो निकाल सकते हैं ना, इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये राइट एंगुलर ट्राइंगल है तो इसका तो आप डायरेक्ट आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये 10, तो ये कितना आ गया भाई 210, एरिया कितना आ गया मेरा 210, तो 7560/210 बराबर, ये गई 0 से गई 0, 21 63 63, 124, हाइट आ गई कितनी 36 सेंटीमीटर। जब हाइट आ गई तो अब हमें क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया निकालना बड़ा आसान, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस क्या है भाई, इन तीनों को जोड़ दो, यही पेरीमीटर होता है, 2 29 2 2 4 1 50 और 2 70, पेरीमीटर ऑफ बेस कितना है भाई 70, हाइट कितनी है 36, तो 70 गुना 36 यही हमारा क्या हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया, 7 6 42, 7 21 4 25, यानी कि 2520 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर। आई भाई बात समझ में, है ना आसान, तो ये आप बहुत आसानी से चीज़ें क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो वगैरह चल रही है, ओके सब सही चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, ए बी सी डी ई एफ इज ए प्रिज्म हूज बेस इज अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, ये कोई प्रिज्म है आपका राइट ट्राइंगल, इसने पूरी फिगर का नाम दे रखा है, उसकी हमें जरूरत नहीं है। ये 9 12, देखो 9 12, तो 9 12 से मैं क्या समझ सकता हूँ, ये कितनी हो जाएगी 15, क्योंकि 3 3 9, 3 4 12, 3 4 5 का ट्रिपलेट, 3 की मल्टीप्लाई, आगे ट्राइंगल ऐसे पूरा ऊपर ये प्रिज्म बन रहा होगा, पूरी फिगर हम नहीं बना रहे। और इसने क्या कहा, परपेंडिकुलर साइड दे दी 9 12, हमने लिख ली कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, जो प्रिज्म को पेंट करने की कॉस्ट है वो कितनी है भाई 151.20 रुपये, कितने रुपये लगते हैं अगर प्रिज्म को क्या करना है, हमें पेंट करना है, और रेट क्या है प्रिंट पेंट करने का 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए हमें 20 पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा बताओ, यहाँ से हम एरिया नहीं निकाल सकते क्या भाई, टोटल इतने रुपए खर्च हुए हमारे और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना खर्च हो रहा है, 20 पैसे, तो 20 पैसे को मैं लिख लूँ 0.20, है ना भाई, ये रुपये में है, यहाँ पैसे में है, तो 20 पैसे को हम लिख सकते हैं 0.20। अब देखो पॉइंट से पॉइंट कटाओ, ये क्या होगा, अब ये 0 से गई 0, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, बताओ ये क्या आया, ये एरिया नहीं आया क्या, यानी कि इतना एरिया तुमने पेंट करवाया होगा, 756 सेंटीमीटर स्क्वायर तुमने पेंट करवाया, किसी हिसाब से 20 पैसे के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो तो पता लग जाएगा कितने रुपए, उल्टा हो गया, हमने क्या करा रुपीज को किससे डिवाइड करा, जो रेट था, तो क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। देखो ये सिंपल सी कॉमन सेंस वाली बात है, ऊपर रुपीज है, नीचे क्या था पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, हमने इसे चेंज कर लिया रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो रुपीज से रुपीज कट जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या आता है भाई एरिया ही तो आता है, तो इतना दिमाग तुम यूनिट से भी लगा सकते हो। ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात तो है ही है, तो हमने निकाल लिया एरिया, यानी कि जो ये प्रिज्म था इसका एरिया कितना था 756 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस पर पेंट करवाया था हमने, तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया है हमारा, ये क्या है हमारा टोटल सरफेस एरिया कितना 756 सेंटीमीटर। आई क्या बात समझ में, अब बताओ टोटल सरफेस एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है पेरीमीटर ऑफ बेस भाई 20 25 27 27 और 9 36, पेरीमीटर ऑफ बेस कितना है 36 इंटू हाइट, हाइट हमें पता नहीं, तो ये तो लेटरल सरफेस एरिया आ गया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। ठीक है, अब एरिया ऑफ ये तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 1/2 × 9 × 12, 2 से कितनी बार गया 6 9 6 जा 54, बेस का 54 ऊपर का भी 54, तो टोटल कितना हो गया 108, तो बताओ यही होगा कि टोटल सरफेस एरिया हमारे हिसाब से, और वैसे एक्चुअल में है कितना 756, तो 36 × h बराबर ये 8 ये 4 और ये 7 में से 1 h, तो ये आ गया, बताओ कोई दिक्कत है क्या, और भाई 9 से काट लो ये 4 बार, 9 7 जा 63, 9 2 जा 18, 4 1 जा 4,
और 4 8 जा 30, यानी कि हाइट जो आ गई वो हमारी कितनी आ गई भाई, 18 सेंटीमीटर। तो हाइट बतानी थी प्रिज्म की जो आ गई कितनी हमारी, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है बात सभी को? देखो बड़े आसान से सवाल है, बस तुम्हें पता होना चाहिए करना कैसे है। द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, बेस कैसा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसका क्या सारा साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती है। और जिसे एरिया नहीं पता इक्विलेटरल ट्राइंगल का, वो मैं बता देता हूँ, √3/4 साइड का इसका। और इसका लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमें दे रखी है। लेटरल सरफेस एरिया कितना दिया भाई? अच्छा लेटरल सरफेस एरिया बताओ क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस। सारी साइड जब बराबर है, मान लो ए ए, पेरीमीटर ऑफ बेस कितना हो जाएगा, 3a × हाइट, यही होगा ना लेटरल सरफेस एरिया। तो ये किसके इक्वल दे रखा है उसने, 120। अगर मैं बात करता हूँ वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया, बेस का एरिया क्या है ट्रायंगल का एरिया यानी कि, इंटू हाइट, ये किसके बराबर होता है वॉल्यूम के, 40√। बताओ भाई क्या पास में। तो ऐसा उसने दो इक्वेशन हमें दे रखी है, हमें बताना है कि प्रिज्म के जो साइड है उसकी मतलब साइड क्या है। ठीक है, अब मेरे भाई बताओ कैसे करें। अब एक काम करो ना, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशन को कर रहा हूँ डिवाइड, क्योंकि मुझे साइड चाहिए, क्योंकि हाइट तो खत्म हो जाएगी, यहाँ से साइड बच जाएगी, डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा। हाइट से हाइट कटाओ, इस √3 से √3 कटाओ, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ऊपर 3 से इसे कटा दो, कितनी बार, 40 बार। तो ऊपर 1 रह गया, डायरेक्ट देखना नीचे, ए बटे 4, 4 में लिया आया ऊपर, बराबर 40 से 40 खत्म, यहाँ रह गया ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 4। यही हमारे से पूछा है शायद, साइड ऑफ द बेस ऑफ द प्रिज्म, जो बेस है प्रिज्म का उसकी साइड बतानी है। तो यानी कि ट्रायंगल की साइड कितनी थी, 4 सेंटीमीटर। तो बस इतना आसान था सवाल है, तुम्हें फॉर्मूला लिखा, डिवाइड कर दिया, आंसर आ। क्लियर है बात सभी को? द बेस ऑफ ए सॉलिड राइट प्रिज्म ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर इज स्क्वायर। इस बार प्रिज्म का बेस क्या है, एक स्क्वायर, और इसकी हाइट कितनी है प्रिज्म की, 10 सेंटीमीटर। तो और वॉल्यूम हमें कितनी दे रखी है भाई, 160 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या होती है, बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, अब मेरे भाई एक बात बता दो, बेस एरिया साइड भाई स्क्वायर है तो सारी साइड ए रही होंगी, बेस का एरिया कितना होगा, साइड का स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर। हाइट हमें दे रखी थी कितनी, 10, तो 0 से गई 0, यानी कि यहाँ से साइड निकाल ली मैंने, कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। यानी कि जो ये स्क्वायर था उसकी साइड कितनी थी, 4, जिस पर ये प्रिज्म बना हुआ है। इतनी बात क्लियर होगी? अब हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया, प्रिज्म का क्या बताना, टोटल सरफेस एरिया, जो क्या होता है भाई, लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 × एरिया ऑफ बेस, यही होता है। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप कितना हो जाएगा, 4 × 16 × हाइट, हाइट कितनी दे रखी, 10, प्लस 2 × एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, 4 × 16। बस सवाल तुम्हारा खत्म, यानी कि यहाँ से तो 160 आ गया और 16 × 32 यानी कि 192 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, आंसर ऑप्शन नंबर। तो इतना ईजी और सिंपल सा ये टॉपिक है, आपको देख के सब कुछ समझ में आ रहा हो, क्लियर है भाई? हमारा एक सवाल पक्का, ठीक है, प्रीय मेंस में कभी भी वो पूछ लेता है। ये बताओ फटाफट, द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज अ राइट स्क्वायर हैविंग साइड, साइड कितनी दे दी, 15, हाइट कितनी दे दी, 8। टोटल सरफेस एरिया बताना, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस का पेरीमीटर 15 × 60 × हाइट, प्लस 2 × एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कितना, 15 है, 15 का स्क्वायर यानी कि 225। तो भाई 8 × 48 यानी कि 480, और 22 × 44 450, तो 0, 8 और 5, 13, 930 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया आंसर। देखो भाई चुटकियों में 5 से 10 सेकंड, मुश्किल से 20 सेकंड, 30 सेकंड में तुम इस सवाल को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ठीक है, सिंपली सवाल आपका पेपर में आता है, 2021 का मेंस हुआ था, उसमें बड़ा सिंपल सा सवाल आया था ऐसे ही डायरेक्ट, तो 20 वाला मेंस हुआ था, सब में प्रिज्म का सवाल आया करता है, आगे भी चांसेज है कि आएगा, तो अपना ये सवाल आप करके चलो पक्का। द हाइट ऑफ ए राइट प्रिज्म विद अ स्क्वायर बेस इतना, एरिया ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द प्रिज्म इतना, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है हमें कितना, 608, और हाइट है, अच्छा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस,
अब हमें यहाँ पे स्क्वायर की क्या नहीं पता, साइड नहीं पता, कोई बात नहीं। पेरीमीटर ऑफ बेस यानी कि 4 × a × height, ये तो लेटरल सरफेस एरिया हो गया, प्लस 2 × a² ये क्या हो गया, एरिया ऑफ बेस। तो यहाँ से मेरे भाई एक बात क्लियर हो रही होगी तुम्हें, 608 बराबर 15 × 60 a + 2 a² क्लियर हो रही इतनी बात। अब यहाँ से 2 से तुम डिवाइड कर लो तो 304 बराबर 30 a + a², ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर a कॉमन भी लेता हूँ तो ये 30 + a हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो तुम इसके फैक्टर निकाल के सोल्व करो, या तुम डायरेक्ट दिमाग लगाओ अपना कि भाई मैं क्या ऐसी वैल्यू रखूँ कि जो इसे सोल्व करने पे आंसर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तुम, अगर मैं यहाँ 6 की मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 × 18, 6 × 36 नहीं होने का, 8 की मल्टीप्लाई करो, 8 × 24, अगर मैं ए को क्या मान रहा, 8, डायरेक्ट तुम सीख जाओगे जब प्रैक्टिस करोगे। 8 × 24 240 और 8 × 64, देखो 240 + 64 सेटिस्फाई 304, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ये तुम अपने आप ही एग्जैक्ट रख पाओगे यहाँ पे वैल्यू डाल के, तो ए की वैल्यू 8 आ गई। या फिर तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या कर लो, इसे सोल्व कर लो तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ए आ गया 8, हमें क्या बतानी है, वॉल्यूम। बताऊँ क्या भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, लो देख लो एक बार, ए स्क्वायर प्लस 30 ए बराबर कितना था, 304। देखो 30 a यानी कि 2 2 a b लिख रहा होगा, ये 2 × a × 15, a का स्क्वायर तो आ गया, यानी कि 15 का स्क्वायर 225 में क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ ऐड कर रहा हूँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे। तो ये क्या बन गया, a प्लस 15 का होल स्क्वायर बन गया, और ये 5 × 4 = 9, 2 = 529। तो a प्लस 15 कितना आ गया, यहाँ अंडर रूट कर दो, ये किसका अंडर रूट है भाई बताओ, 23 का स्क्वायर है ये 529, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 23 में से 15 गए 8 आ गई ना, देखो 8। इतना काम करने की बजाय तुम ये चीज़ डायरेक्ट कर सकते हो। चलो अब छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया, बेस का एरिया इंटू हाइट। बेस का एरिया क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर यानी कि 64, हाइट कितनी दे रखी भाई ने, 15, तो 15 × 60, 15 × 6 = 90 और 96, यानी कि 960 cm³, ये हमारा क्या होगा। आई बात समझ में, क्लियर है सभी को। बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए रेक्टेंगल, इस बार बेस क्या है भाई, रेक्टेंगल, और जिसका लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना है, 3:2, 3:2 यानी कि लेंथ को 3x मान लेता हूँ और ब्रेथ को 2x मान लेता हूँ। हाइट प्रिज्म की कितनी है, 12, समझ जाना। ऊपर भी एक वो होगा, अरे मिला के इसे क्या बना रखा होगा, ये प्रिज्म बना रखा है। टोटल सरफेस एरिया है 288, टोटल सरफेस एरिया कितना है, 288। टोटल सरफेस एरिया बताओ क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया, 2 × एरिया ऑफ बेस। लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, पेरीमीटर ऑफ बेस, 3 × 2 = 5, 5 × 5 = 10, पेरीमीटर कितना आ गया, 10x × हाइट, हाइट कितनी दे रखी, 12, ये तो लेटरल आ गया, प्लस एरिया ऑफ 2 बेस, बताओ 3 × 2 भाई एरिया कितना आएगा इसका, 6x² आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि 2 है ऊपर नीचे, तो 12x² होगी बात क्लियर। अब 12 से मैं इसे काट रहा, 12 × 2 = 24, 12 × 4 = 48, यहाँ क्या बच जाएगा, 10x + x². आगे क्या बात समझ में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही, दोबारा से इक्वेशन बना के सोल्व कर लो या वैल्यू डाल लो। देखो 10 है तो 20 तक पहुँचने के लिए क्या, x को 2 ले लेते हैं, तो 10 × 20 और 2 × 4 = 24 हो गया सेटिस्फाई, इतनी बड़ी बात नहीं होती है वैल्यू रखने वाली। x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि x की वैल्यू 2 आ गई, तो इसका मतलब लेंथ कितनी थी, 6, और ब्रेथ कितनी है, 4। हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, वॉल्यूम क्या होती है, बेस का एरिया, बेस का एरिया कितना हो जाएगा, 6 × 24 × हाइट, हाइट कितनी है, 12, तो 12 × 48, 12 × 24, 24 × 4 = 28, यानी कि 288 cm। तो ये तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि बेस का एरिया, हाइट, सारी तुम्हें डायमेंशन पता होगी, तुम डायरेक्ट फटाफट क्वेश्चन करते चले जाओगे एग्जाम, ठीक है। सारे सवाल हो गया है ना, अच्छा सेशन हो गया तो। पर ये है कि इसे देख लोगे तो फिर तुम्हें डाउट नहीं बचेगा। ए प्रिज्म हैज ए रेगुलर हेक्सागनल बेस, प्रिज्म का क्या है, रेगुलर हेक्सागनल बेस, और टोटल सरफेस एरिया दे रखा है कितना, 216 √3, ठीक है, और हेक्सागनल बेस साइड कितनी दे रखी है, 6। अच्छा जिसे हेक्सागन के बारे में नहीं पता, जो हेक्सागन होता है ना वो बनता है तुम्हारे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर, ठीक है, तो इसका एरिया निकालना बड़ा आसान होता है, जो है ये सारे आपके जो होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारे बराबर, सारे 6 के 6 ट्रायंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो
जब भी एरिया निकालने की बात आती है हेक्सागन की, तो तुम्हें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पता होना चाहिए, रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर। अभी एक ट्रायंगल का एरिया, टोटल ट्रायंगल कितने हैं इसमें, तो आप ये क्या हो जाता है हमारा एरिया हो जाता है किसका, हेक्सागन का। अब हमें क्या बताया भाई इसने, टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, टोटल सरफेस एरिया दे रखा भाई। ये फिगर ऐसे बनेगी प्रिज्म, समझ रहे हो ना, फिगर नहीं बना रहा तो मैं इसका मतलब ये मत समझना, तो होना चाहिए तुम्हें ये कैसा प्रिज्म बन रहा है ना, ये हाइट है, ये साइड है। चलो अब टोटल सरफेस एरिया क्या, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस का मतलब 6 × 36 इंटू हाइट प्लस जो ऊपर नीचे का एरिया, वो तो एरिया निकाल सकते हैं हम रूट थ्री बाई फोर इंटू सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स, दो ये तीन, दो से तीन, 6 × 18, 18 × 54, 54 √3। ये नीचे बेस का एरिया आया, टॉप का भी तो आएगा, तो यानी कि इंटू टू, 54 × 108 √3, तो यानी कि 36h बराबर, ये 108 इधर गया, कितना बच गया 108 √3, यानी कि जो हाइट आ गई वो कितनी आ गई, 36 से कितनी बार गया, 3 बार, 3 √3, तो जो मेरी हाइट है वो कितनी आ गई भाई, 3 √3। हो ये तो बड़ा आसान हो गया, हाइट ही पूछ रखी थी, वॉल्यूम पूछता तो थोड़ा लेंथी हो जाता, फिर एक स्टेप और करना पड़ता, हाइट ही पूछ रखी है, तो आंसर कितना आ गया भाई, 3 √3। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस, बस सीधा रखना है, सोल्व करना है, खत्म। द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए ट्रायंगल, बेस क्या है भाई राइट प्रिज्म का, एक ट्रायंगल त्रिभुज, ठीक है। ऑफ पेरीमीटर 90, पेरीमीटर कितना दे दिया इसका 90, एंड इट्स इन रेडियस इज 4। अच्छा इसकी इन रेडियस दे दी कितनी, 4, ये होती है इन रेडियस। अच्छा ये कॉन्सेप्ट और है, 2D में ही पढ़ते हैं इसको, ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो वो किसके इक्वल होता है, सेमी पेरीमीटर इंटू इन रेडियस, ठीक है, याद रखना, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, सेमी पेरीमीटर इंटू इन रेडियस। तो इसने इन रेडियस कितनी दी, 4, तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ, सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा भाई, 45, इन रेडियस कितनी है, 4, 4 × 16, 4 × 5, 180 सेंटीमीटर के स्क्वायर के आ गया मेरा ट्रायंगल का एरिया। बताओ भाई क्या बात समझ में, भाई पेरीमीटर 90 है तो सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप, आधा परिमाप 45, आधा ही तो होता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है, बेस का एरिया प्रिज्म की इंटू हाइट, वॉल्यूम कितनी दे रखी, 1200, बेस का एरिया कितना है तुम्हें पता, 180 इंटू एच, हाइट निकाल लोगे यहाँ से, हाइट कितनी आ जाएगी, 20/3, हाइट कितनी आ गई मेरे भाई, 20/3। इतनी बात क्लियर हुई, लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा भाई, वो टोटल सरफेस एरिया, सॉरी लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, हाँ पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस हमें पहले से पता है 90 इंटू हाइट, ये आ गया लेटरल सरफेस एरिया, प्लस जो आपका ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया कितना है, 180, ऊपर वाले का भी 180, यानी कि दोनों का कितना, 360, 3 से कितनी बार गया, 30 बार, 30 × 600, 600 + 360, यानी कि जो आंसर आ गया वो कितना आ गया भाई, 960 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर। क्लियर है बात सभी को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट अलग से ये लग गया इन रेडियस वाला। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे भाई, बेस ऑफ ए प्रिज्म इज ए ट्रायंगल, प्रिज्म का बेस क्या है, एक त्रिभुज, हूज रेशियो ऑफ सर्कम रेडियस टू इन रेडियस, सर्कम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो कितना है, 1। देखो ये जो बाहर ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करते हुए सर्कल बनता है उसकी तो क्या होती है, सर्कम रेडियस, ये वाली, इसको क्या बोलते हैं हम, सर्कम रेडियस, और जो ये ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होती है हमारी क्या, इन रेडियस। एक बार समझ में, तो इसने यही कहा कि सर्कम रेडियस और इन रेडियस का जो रेशियो है वो 1:0.5, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ 2:1, ठीक है। अच्छा ये 2:1 बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में आता है, जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना उसी में ही इन रेडियस और सर्कम रेडियस का जो रेशियो है वो 1:2 आता है, ठीक है। तो इन रेडियस और सर्कम रेडियस का जो रेशियो है वो कितना आता है, 1:2, किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे वहां पर सारी चीजें क्या करेंगे, डिस्कस करें, प्रूफ वगैरह सब देखें। अब ये बात तुम्हें क्लियर होगी, यानी कि यहाँ से मुझे पता चलेगा कि बेस कैसा है हमारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल।
एंड वन ऑफ इट साइड इज 8 सेंटीमीटर। ऐसे इसने कहा कि एक साइड 8 है, तो अब एक साइड 8 है हमें पता, ट्रायंगल तो कैसा है, इक्विलेटरल, यानी कि सारी साइड कितनी है 8। हमें वॉल्यूम बतानी है किसकी, प्रिज्म की, जिसकी हाइट हमें दी है कितनी, 14। अब वॉल्यूम क्या होती है, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस में तुम्हें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, ये तो हो गया ट्रायंगल का एरिया इंटू हाइट कितनी थी, 14। बस सवाल खत्म तुम्हारा। 8 × 16 और 16 × 64, 16 × 16 और 6 = 22, 224 √3, यानी कि 224 √3 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या होगा, आयतन। ऑप्शन नंबर आई बात समझ में। तो ये थोड़े नए कॉन्सेप्ट थे, जिसे इन रेडियस सर्कम रेडियस के बारे में नहीं पता, तो कोई बात नहीं, वो अभी यहाँ से इन चीज़ों को समझे और सवाल को सोल्व करें, ठीक है। बाकी हम डिस्कस करेंगे इन सारी चीज़ों को अच्छे से। तो भाई ये आज का सेशन, ठीक है, काफ़ी मेहनत करी है मैंने इसको बनाने में और तुम्हें समझाने में, समझ में आई होंगी चीज़ें, तो सेशन को लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। ये तुम्हारा बस, जिसे कहेंगे कि बस ये एक क्लास तुम्हारे पेपर के लिए क्या हो जाएगी, एनफ हो जाएगी। इस क्लास को अगर तुम देख के जाते हो तो प्रिज्म का सवाल तुम्हारे हाथ से नहीं बचने वाला, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।